टीम इंडिया वी लव यू। मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान के खिलाफ इंडिया ज़्यादा रन मारेगी क्योंकि हमारी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, और जैसे आप बोल रहे थे कि इंग्लैंड ने राशिद खान की ज़्यादा ही उससे पिटाई कर दी, तो ऐसा था कि वो फ्लैट पिचेस थी, तो इंग्लैंड वहाँ उस पिचेस पे कंफर्टेबल है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा रन मारती हैं, हमेशा से उनके 350-400 जाता है स्कोर। अच्छा, राशिद खान की बात करें तो क्या लगता है आपको, राशिद खान की गेंदबाजी इंडिया के खिलाफ चल पाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने IPL में बॉलिंग करी थी, तो क्या है कि हमारे जितने भी बैट्समैन हैं उसको वो खेल चुके हैं अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको इतना तंग कर पाएंगे इंडिया टीम को। तो इंडिया टीम तो आराम से जीतेगी, बहुत अच्छे रनों से जीतेगी, और अगर पहली बैटिंग मिली तो विकेट से जीतेंगी या फिर। आपको क्या लगता है कौन सी टीम? ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा, बिल्कुल इंडिया जीतेगा। देखें, इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसके खिलाफ जो आप बैट्समैन जिनका आप बता रही हैं तो मुमकिन नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बाकी टीमों का जो हाल हमने अच्छी अच्छी टीमों का इंडियन बॉलर्स के सामने जो हाल देखा है, तो अफगानिस्तान तो कोई मायने नहीं रखता उनके आगे। थैंक यू। बस इसी तरह से है कि जो अफगानिस्तान अभी क्या नाम इंग्लैंड के साथ भी बहुत ज़्यादा बीट हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि ये इंडियंस के आगे मतलब इतना अच्छा खेल पाएंगे, क्योंकि इंडियन बैटिंग और बॉलिंग बहुत अच्छी जा रही है सब में सकती है, क्योंकि इज़ अ गुड स्पिनर, और एक मैच में कोई इंसान बड़ा और छोटा नहीं हो जाता। देखिए, हर इस स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी 6 छक्के खाए थे, तो उसके बाद उसका जो परफॉर्मेंस था वो बेटर हो गया। मे बी पॉसिबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये क्रिकेट है, कुछ भी कह सकते हैं। तो आपको लगता है अकेले राशिद खान में? नहीं, अकेले नहीं, अकेले क्योंकि 11 लोगों का गेम है, अकेले तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता ना। क्या लगता है राशिद खान भारी पड़ेंगे? भारी नहीं पड़ेगा, बट उसका परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा हो जाए, क्योंकि उसको अपनी गलती है, उसको एहसास हो चुका है, तो मे बी पॉसिबल थोड़ा बेटर कर सके। गल भी सकते हैं छक्के चौके, और नहीं भी मे बी विकेट भी ले सकता है। तो क्या लगता है टीम इंडिया का कौन सा खिलाड़ी है जो राशिद खान से निपटेगा? रोहित शर्मा। आपको लगता है धोएंगे राशिद? धोएंगे तो नहीं, लेकिन बट पॉसिबिलिटी है। हम पांड्या कह सकते हैं, पांड्या तो मारेगा क्लियर एंड कट। पांड्या स्पिनर को तो मारेगा राशिद खान, ठीक है ना? तो पहली बात तो राशिद खान क्या है कि टॉप 3 स्पिनर्स में तो है, मानता हूँ, ठीक है, बट बात करें इंडिया की तो इंडिया में बहुत सारे स्पिनर्स आए और फिर चले गए। अभी जिस तरीके से इंडिया फॉर्म में चल रही है तो ऑलमोस्ट 300 तो मारेगी, नाना करते हुए 300 तो मारेगी। इंडिया के पास बैट्समैन है, टॉप के बैट्समैन हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, और हार्दिक पांड्या वो तो ऑलराउंडर है, मतलब उसको तो चाहे बैटिंग करा लो, बॉलिंग करा लो और फील्डिंग करा लो, IPL से चलता आ रहा है। और जहाँ तक बात रही राशिद खान की स्पिन की, तो ये वर्ल्ड कप है और यहाँ पर अच्छे से अच्छा बॉलर पिटता है और बुरे से बुरा बॉलर तो पिटेगा ही, तो अगर राशिद खान कल बॉलिंग करता है तो मेरे को लगता है कि हाँ उसकी बॉलिंग का कोई असर नहीं होगा इंडिया पे, क्योंकि इंडिया में एक से एक प्लेयर हैं, हमारे जो ओपनर हैं शिखर धवन नहीं है, लेकिन शिखर धवन के ना होते हुए भी आज टीम शिखर पे है, तो मुझे लगता है हाँ इंडिया रॉक करेगी। हाँ, कुछ भी आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें क्रिकेट में एक फिक्स रहता नहीं। अगर हम बुमराह की बात करें, ही इज़ अ वर्ल्ड बेस्ट बॉलर, बट वो भी कभी ना कभी विकेट नहीं ले पाता। सो अगर हम मतलब कि इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें, रोहित शर्मा इज़ इन फॉर्म, विराट कोहली इज़ इन फॉर्म, हार्दिक पांड्या इज़ इन फॉर्म, नाउ लोकेश राहुल इज़ इन फॉर्म, इफ़ अपना मतलब कि इनका एक ऋषभ पंत भी अगर इनके साथ स्टार्टिंग करता है, देन ही इज़ ऑल्सो इज़ इन फॉर्म, देन मे बी अगर लास्ट मैच का परफॉर्मेंस देखें, देन उनको बहुत ज़्यादा, राशिद खान को बहुत ज़्यादा क्रिटिक किया गया है, और उस पर बहुत ज़्यादा मीम भी बने हैं, दैट कि अगर आप एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हो तो सीरियसली आपका जो एक मोरल है वो ज़रूर डाउन जाता है, देन मे बी ही इज़ इन परफॉर्मेंस प्रेशर, देन वो अपना बेस्ट करने की ट्राई करेगा और वो उस क्रिटिक से निकलने की ट्राई करेगा, और इंडिया ये चाहेगी कि अगर वो एक उस टीम का एक बेहतरीन बॉलर है जो अफगानिस्तान है, देन अफगानिस्तान की मेन अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो वो उनकी बॉलिंग है, तो मे बी शायद हाँ या मे बी शायद ना। तो क्या उनके आपको भारत के पास ऐसे कौन से खिलाड़ी है जो राशिद खान के साथ निपटने के लिए तैयार है? अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, विराट कोहली इज़ इन परफॉर्मेंस एंड इज़ इन गिविंग गुड परफॉर्मेंसेज, अगर हमारे पास शिखर धवन नहीं है, देन हमारे पास लोकेश राहुल है, ऋषभ पंत के आने के चांसेस हैं, रोहित शर्मा इज़ इन फॉर्म, हार्दिक पांड्या इज़ इन फॉर्म, देन ऑल दी बैट्समैन आर डिफेंडिंग हिम, यू नो रियली वेरी गुड, अच्छी फॉर्म में उनको डिफेंड कर सकते हैं,
अब ये तो अब जो क्रिकेट है वो एक बहुत ही अनप्रडिक्टेबल गेम है, तो इसमें कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। बट हाँ, ये हो सकता है कि मे बी लास्ट मैच से उनका या तो मोराल ज़्यादा डाउन हुआ है तो वो ज़्यादा पिट सकते हैं, या तो फिर वो लास्ट मैच से अपना कुछ एक परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर ट्राई करने की ट्राई करेंगे, और रोहित शर्मा को या फिर जो भी टॉप बैट्समैन है इंडिया के तो वो शायद उनको जल्दी आउट करने की ट्राई करेंगे।